ठीक है। चलिए, प्रेशर एट अ डेप्थ, हाइड्रोलिक ब्रेक कर रहे हैं। हाँ, ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो बेस्ड ऑन पास्कल लॉ, ये वाला जो इलस्ट्रेशन मैंने करवाया था, ये भी बना सकते हो आप, ठीक है? ये वाला जो बनाया था ना, ये भी बना सकते हो। थ्री डिफरेंट ओपनिंग वाला एक सर्कुलर प्लास्टिक का आपको कंटेनर लेना है या व्हाटएवर, ये वाला जो इलस्ट्रेशन था इससे भी बना सकते। चलिए, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ब्रेक पैनल, प्रेशर अप्लाइड, सेम प्रेशर ट्रांसमिटेड हियर। Rim of the beam. This is brake shoe. Black color के होते हैं जो brake shoe जैसे cycle में दिखते हैं आपको। This is wheel cylinder. P2, P3. तो पहले, सबसे पहले मास्टर सिलेंडर है जिसमें फ्लूड है, 40 रोल नंबर लिख लो। सो व्हेन वी अप्लाई, व्हेन वी प्रेस द ब्रेक पेडल टू स्टॉप द व्हीकल, देन दिस प्रेशर, सम प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, लीवर सिस्टम जस्ट मैग्नीफाइज दैट मूवमेंट। अगर हम ब्रेक पेडल पे प्रेस करते हैं तो इतना वो मूवमेंट अगर नहीं नोटिस भी होती तो लिवर सिस्टम थोड़ा मूवमेंट को मैग्नीफाई कर देता है। और ये प्रेशर जो है, सेम प्रेशर आगे ट्रांसमिट होता है ये वाले दो पिस्टन पे और वो इस तरह से होते, तो वो जो प्रेशर यहाँ पे आ रहा है सेम प्रेशर यहाँ पे भी जाएगा। उसकी वजह से ये जो ब्रेक शूज है, दे विल टच रिम ऑफ द व्हील एंड ब्रेक्स विल बी, व्हेन वी रिलीज द पेडल स्प्रिंग विल ब्रिंग देम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, सो ब्रेक्स विल बी रिलीज। दिस इज द वर्क। सो अगेन दिस इज बेस्ड ऑन पास्कल्स प्रिंसिपल, प्रमोद और 44 युवराज। ये हमने एक व्हील शो किया है, ऐसे ही बाकी व्हील्स में भी सेम ट्रांसमिट होगा, सेम प्रेशर ऐसे ही बाकी व्हील्स में भी जाएगा। ब्रेक ऑयल है इसके अंदर, ठीक है? लिक्विड कौन सा है? ब्रेक ऑयल।
बन गया डायग्राम. शुड आई रिपीट द वर्किंग वंस अगेन और इट्स क्लियर? ब्रेक पेडल पे प्रेशर अप्लाई किया हमने, इसको प्रेस किया, सेम प्रेशर गया इस सिलेंडर पे, ये वाला पिस्टन मूव करेगा, उससे ये प्रेशर यहाँ पे जाएगा, ये दोनों पिस्टन आउटवर्ड जाएंगे. अब ये पिस्टन मूव करने से ब्रेक शू जो है इट विल टच रिम ऑफ द व्हील, वो उसको टच करेगा तो ब्रेक सप्लाई होगी, व्हीकल स्टॉप होगा. मास्टर सिलेंडर किसका? मास्टर सिलेंडर. हाँ, ये जो मेन सिलेंडर है सारे व्हील्स के साथ अटैच, तो इसी के ऊपर पहले प्रेशर जाएगा जो सब व्हील्स पे सेम, इसीलिए ऑल द व्हील्स दे स्टॉप एट द सेम टाइम. ठीक है, फिर हम जब प्रेशर रिलीज कर देते हैं, पैडल से पैर उठा लेते हैं, द स्प्रिंग रीस्टोर्स देयर ओरिजिनल पोजीशन, रिम्स अगेन कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, ब्रेक्स आर रिलीज्ड. ठीक है, वो तो इंस्टेंट ब्रेक है ना, वो तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ इस बीच पर द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ. आफ्टर दिस वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर एट प्रेशर ड्यू टू लिक्विड वॉल्यूम. So we have liquid in a container. Okay. We want to find pressure, suppose here at a depth h. Suppose from the surface, free surface say h depth पे हमने pressure calculate करना है. Point चलो वो ले लो, P pressure के लिए use करेंगे. वो point पे हमने pressure calculate करना है. We imagine a लिक्विड सिलेंडर ऑफ दिस मच हाइट. तो इतनी ही हाइट का हम एक लिक्विड सिलेंडर इमेजिन कर लेते हैं. 13 रोल नंबर की लगी हुई थी, ये लेफ्ट हो गया. सो वी इमेजिन अ लिक्विड सिलेंडर ऑफ हाइट एच एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए. सपोज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए. Then let us calculate the pressure due to this liquid column of height h. Pressure is basically force upon area. Okay, what is the force exerted in this case? How much force? That is the weight of liquid in the column. Weight of liquid in the column. How much is that? Mg. Mg हो गया, ठीक है? और mass को कैसे लिखोगे आप? Volume into density, mass is further volume into density. Then we can write volume as area into height. इस जो cylindrical column का volume कितना है? Area into height into rho into g. A gets cancelled and we get the formula that you have used in 9th standard or 8th standard also, that pressure increases with depth. So pressure is directly proportional to height or depth of that point where we are going to find out. So P is H rho g. This is very, very famous formula where rho is density of liquid,
G is acceleration due to gravity, you know that, and H is depth. H क्या है वो डेप्थ जहां पे हमने प्रेशर कैलकुलेट करना. एंड सिंस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ. सो दिस आल्सो फाइंड सो मेनी एप्लीकेशंस लाइक द बेसिस ऑफ स्विमिंग पूल्स, दे आर मेड वेरी स्ट्रॉन्ग. स्विमिंग पूल्स के जो बेसिस हैं, आपने अगर कंस्ट्रक्शन देखी हो स्विमिंग पूल की, तो उसको एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है टू बियर द प्रेशर ऑफ वॉटर जो डेप्थ पे बॉटम पे मैक्सिमम हो. ठीक है. और अगर आपने स्विमिंग की हो कभी, आती है स्विमिंग किसी को? आती है ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्विमिंग किस किस को आती है? रेज हैंड. हाँ जी, स्विमिंग आती है किसी को? हैव यू एवर गॉन इनसाइड वॉटर? ऐसे पता होने को खबर नहीं. मैंने ये कहना है कि उसमें अगर आप स्विमिंग करो तो आपको पता चलता है कि जब जैसे जैसे आप डीप जाते हो तो आपके सिर के ऊपर इतना वाटर का प्रेशर आपको फील होता है. ठीक है. और दैट्स व्हाई द स्विमर प्रोफेशनल स्विमर्स दे वियर स्पेशल काइंड ऑफ सूट्स आल्सो. अंडर डाइवर जो डीप सी में डाइविंग करते हैं, जो वहां पे स्विमिंग करते हैं, तो वो कितने स्पेशल काइंड ऑफ सूट आपने मूवीज में भी देखे हुए हैं डाल के जाते हैं. ठीक है. टू बियर द प्रेशर ऑफ वॉटर इन सर, और बॉटम पे मैक्सिमम हो जाता है वो प्रेशर. राइट. इज दैट ओके? सो प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ. वी हैव सो मेनी कंसेप्चुअल्स बेस्ड ऑन दिस. एक तो ये हो गया कि स्विमिंग पूल्स के बेसिस को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है. सेकेंड लिखे एग्जाम्पल. इन ह्यूमन बींग्स ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन. व्हाई? In human beings, blood pressure at the feet is greater or at the head, or at the head. ऐसे करो, आपको बताना है कि कहाँ पे greater होता है. Blood pressure at feet is greater or at the head, where it is greater. सबसे ज्यादा blood का pressure कहाँ पड़ता है? Feet पे. उसका रीजन है क्योंकि हमारी बॉडी में कौन सा लिक्विड कॉलम है? ब्लड कॉलम. सो द हाइट ऑफ ब्लड कॉलम इज मैक्सिमम एट द फीट. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच. ठीक है. पी इज इक्वल टू एच रो जी के अकॉर्डिंग. सो ब्लड प्रेशर इज मैक्सिमम एट द फीट देन एट द ब्रेन. सो दिस इज ऑल्सो फेमस क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन. राइट. और लोअर क्लासेस में आपने एक एक्टिविटी की हुई है ये वाली. एक बॉटल लो, उस पे होल्स करो डिफरेंट हाइट से. ठीक है. तीन होल्स करो एबीसी. ठीक है. तो किसमें प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? जो कोई ए बोल रहा, कोई सी बोल रहा, सी पे. ये डेप्थ पे है ना, ये सबसे ज्यादा डेप्थ पे फंक्शन होगा, ये सबसे आगे रहे. ठीक है. सो सी पे जो सबसे ज्यादा डेप्थ पे पॉइंट लास्ट में आ रहा है, जो वहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, वहां पे लिक्विड सबसे दूर जाए. और अगर आप होल्स सेम लेवल पे कर दो तो सेम प्रेशर से जाए. ठीक है. अगर आप सेम लेवल पे कर दो तो सेम प्रेशर से जाए. एंड फर्दर देर इज वन ऑब्जर्वेशन कि हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स बोलते हैं कि प्रेशर एट द सेम लेवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर. अगर हम डिफरेंट शेप्स ऑफ कंटेनर्स ले लें, ठीक है, और लिक्विड को सेम लेवल तक फिल कर दें, तो हर कंटेनर के बॉटम पे उतना ही प्रेशर होगा, सेम प्रेशर होगा. इट विल बी इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ कंटेनर दैट वी आर यूजिंग. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स. This is called hydrostatic paradox. Hydrostatic paradox. ठीक है. तो वो क्या है कि suppose हम different shapes के container ले लो. एक ये है, एक simple है आपके पास. ठीक है. एक conical ले लेते हो. ये तो सेवेंथ एट्थ वाले कर लेते हैं.
अब हमने सेम अगर लेवल तक लिक्विड को फिल कर दिया ना, तो जो भी कंटेनर की शेप है किसी भी लेवल पे प्रेशर सेम होगा, इनके बॉटम पे भी सेम होगा। अगर इफ दे आर फिल्ड अप टू सेम लेवल, तो किसी भी एक हाइट पे आप प्रेशर ले लो, वो सेम होगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। दैट प्रेशर एट एनी लेवल, लिखो प्रेशर एट द सेम लेवल, ऐसे करो, प्रेशर एट द सेम लेवल due to liquid in containers, due to liquid in containers of different shapes will be the same, will be the same. बना लो। तो यहां पे ए बी सी तीन पॉइंट्स हमने लिए हैं, यहाँ पे प्रेशर सेम है और ये हमने लेवल सेम किया, सेम लेवल तक इनको फिल किया। जतिन ने आज आपको सच में निकाल दिया ना चेयर वाला जपन जो, अच्छा हाँ उसने बोला था। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, क्लियर? ठीक है, चलिए। आफ्टर दैट वी हैव आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वैसे लिखा नहीं हुआ पर फिर भी प्रेशर का टॉपिक और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ना करें हम, तो ये थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? जितना वॉल्यूम नहीं होता ऑब्जेक्ट का मास होता है उतना ही पानी डिस्प्लेस होता है, पानी वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है। व्हेन अ सॉलिड इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड पार्शियली और कंप्लीटली, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड इज ऑलवेज इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ द सॉलिड। वेट वॉल्यूम के इक्वल नहीं होता, लॉस इन वेट के इक्वल होता है, रियल वेट माइनस अपेरेंट। आपको याद होगा ना इनमें की लिखे स्टेटमेंट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आपको एक्सपेरिमेंट भी करवाया गया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हेन अ सॉलिड इज पार्शियली और कंप्लीटली, व्हेन अ सॉलिड इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, partially or completely immersed in a liquid, it loses weight, it loses weight and क्या किसके इक्वल होता है? Loss in weight is equal to weight of liquid displaced by the solid, and that further is equal to what? Buoyant force, up thrust के भी इक्वल था, याद आ गया आपको? चलिए लिखिए, the loss in weight of liquid, the loss in weight of solid by the liquid, the loss in weight of solid by the liquid. For example, when you go inside a swimming pool, you feel loss in weight, आपको अपना weight कम लगता है, real weight से कम लगता है, आप lighter feel करते हो inside water, ठीक है? तो जितना weight आपने lose किया, that is equal to weight of liquid displaced by. For example, आप swimming pool में jump करते हो, सपोज कर लो आपके जंप करने से उतना ही वाटर बाहर निकल गया, हो सकता है ऐसे? आप जब जंप किए जितना वाटर आपने डिस्प्लेस किया वो बाहर गिर गया, होता है ऐसे, है ना? तो वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अगर देखा जाए, उसको मेजर कर लिया जाए, विल बी इक्वल टू द लॉस इन वेट फेल्ट बाय, लॉस इन वेट बाय योर बॉडी। तो वो जितना वाटर बाहर आया आपने जितना वेट लूज किया उसके इक्वल हो। दिस इज सिंपली द मीनिंग ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है? चलिए लिखिए, द लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड बाय द लिक्विड इज ऑलवेज इक्वल टू
weight of liquid displaced, weight of liquid displaced by the solid, weight of liquid displaced by the solid, राइट right? तो नाइन्थ में हमने आपको एक्टिविटी करके दिखाई थी ओवरफ्लो कंटेनर लेके, तो उसमें जब हम रबर कॉर्क डिप करते हैं तो उतना वाटर बाहर निकल जाता है, उसको बीकर में कलेक्ट कर लिया हमने, उसका हम वेट निकाल लेते हैं इधर, रियल वेट माइनस अपेरेंट वेट करके लॉस इन वेट निकाल लेते हैं, वो दोनों हमारे सेम आते हैं। तो नाइन्थ में एक्टिविटी करवाई गई थी, याद है आपको? नहीं यार, ये तो सिलेबस में थी, फ्लोटेशन में, ओवरफ्लो कंटेनर यूज करके टू वेरीफाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये वाली एक्टिविटी की थी आपने, ठीक है? और ये भी लिख लो, एंड इज ऑल्सो इक्वल टू बायंट फोर्स। नाउ वॉट इज अदर नेम फॉर बायंट फोर्स? अप थ्रस्ट। सो वॉट इज बायंट फोर्स ऑल्सो कॉल्ड? अप थ्रस्ट मीन्स, थ्रस्ट मीन्स फोर्स, अप मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन। So upthrust means it is a force acting on a solid in the upward direction when it is immersed in a liquid partially or completely. ठीक है, आप क्या करते हो, बकेट में मग जो है उसको डिप करते हो, पहले आप उसको उसके हाफ तक लेके जाते हो, बकेट वाटर से फिल हुई है, आप हाफ तक मग लेके जाते हो, छोड़ देते हो, फिर वो वही रहता है क्या उसके सेंटर में? अपने आप ऊपर आ जाता है ना? उसके बाद आप क्या करते हो, उसको ड्रैग करके बॉटम तक ले जाते हो मग को, फिर छोड़ देते हो। अब मग कहाँ रहता है? बॉटम पे रहता है, ऊपर आ जाता है कि नहीं आ जाता? ऊपर आ जाता है। सो इन ऑल द केसेस दैट मग इज गोइंग टू कम ऑन द सरफेस, सो विच फोर्स इज ब्रिंगिंग इट? ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अगेंस्ट ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। अब मैं चौक गिरा रही हूं तो वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही गिरेगा ग्रेविटी की वजह से, तो मग ऊपर क्यों आ रहा है? ग्रेविटी तो उस पर भी एक्ट कर रही है। व्हाई? बिकॉज ऑफ वाटर, इट इज इन वाटर एंड वाटर इज एक्सर्टिंग अपथ्रस्ट ऑन इट, इट इज एक्सर्टिंग बाइंड फोर्स ऑन इट, बिकॉज ऑफ विच इट इज कमिंग ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं बाइंड फोर्स और अपथ्रस्ट। आपको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की क्या एप्लीकेशन है? नाइन्थ में तो फटाफट बोल देते थे लैक्टोमीटर यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क, है ना, हाइड्रोमीटर यूज टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ये फटाफट आप बोल देते थे दो एप्लीकेशन इसकी, पास्कल्स लॉ की तीन, है ना? तो आपको वैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, वो आप कर सकते हो। आपको एक टेबलेट लेनी है, मेडिसिन टेबलेट, उसका आपने मास फाइंड करना है यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलो थिंक अबाउट इट फर्स्ट, देन यू टेल। भूल जाएगी, उसको कुछ सोल्यूशन फाइंड करो, सारी तभी भूलती होंगी, कहीं नहीं भी भूलती। डिस्प्रिन नहीं ना लेनी है आपने? डिस्प्रिन थोड़ी लेनी है आपने, ठीक है? बाकी टेबलेट्स तो नहीं, हाँ कैप्सूल ले लो, कैप्सूल ले लो, कैप्सूल ले लो, ठीक है? तो आई गिव यू अ हिंट, आप उसके लिए एक थ्रेड, थ्रेड से आप उसको सस्पेंड करिए, तो आपने उसका मास निकालना है एक टेबलेट का यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है? चलिए कल आप ये सोच के आइए इसके बारे में।